नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे UIDAI ने एक PVC आधार कार्ड लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठे आप PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं, वो भी मात्र और मात्र सिर्फ 50 रुपये में। ये 50 रुपये आपको UIDAI की वेबसाइट में देने हैं, उनकी कंपनी को देने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कटने फटने, जो कि जैसे कि पुराना आधार कार्ड होता है कटने फटने का डर लगा रहता है, उस झंझट से आप बच जाएंगे। आप मात्र 50 रुपये में आप अपना ये PVC आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि UIDAI ने 2021 में आधार कार्ड को एक नया रूप दिया है, जिसे PVC आधार कार्ड के रूप में जाना जाता है। पहले आधार कार्ड केवल प्रिंट के रूप में उपलब्ध किया जाता था, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे प्रिंट निकलवा लेते थे हम, तो वैसे ही पहले उपलब्ध करवाया जाता था UIDAI की तरफ से। लेकिन अब इसमें नया संशोधन किया गया, नया अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें इसमें आपको डिजिटल रूप के तौर पे इसमें मान्यता इसको दी गई है। जैसे कि आप पहले देखते हो, जैसे कि आप देखते हैं कि पैन कार्ड को एक एक स्ट्रॉन्ग PVC कार्ड होता है, वैसे ही इसको आधार कार्ड को भी इसका रूप दिया गया है, जिससे इसे ले जाना कहीं भी आसान होगा। जैसे कि पहले वाला फट जाता था, या कोई भी जानवर वगैरह, चूहा वगैरह कुछ भी इसको काट लेते थे, तो उसमें इसमें PVC जो इसमें नया रूप निकाला है, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल एक मोबाइल नंबर से आप अपने पूरे परिवार का, जी हाँ, केवल आप एक अपना फ़ोन नंबर डालिए, जिसमें आप अपने पूरे परिवार का पंजीकरण इसमें कर सकते हैं। और आगे आपको 50 रुपये का मामूली राशि जमा करके कोई भी अपने घर पर PVC आधार कार्ड की डिलीवरी करवा सकता है। तो मैं अब आपको बता दूं कि आप अपना PVC आधार कार्ड कैसे मंगवा सकते हैं। तो मैं आपको सीधा PC की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं से आपको बताता हूँ कि आप अपना ऑर्डर इसका कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको PC स्क्रीन पर मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वेब ब्राउज़र में अपनी इनकी वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके माय आधार पे जाना है। माय आधार पे आपने क्लिक किया, या क्लिक कीजिए, या उसके सीधा नीचे खुल जाएगा। देखिए, जैसे मैंने माय आधार पे किया, नीचे खुल चुका है, इसका काफ़ी सारा ऑप्शन दे चुका है ये। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, जिससे मैंने इसको क्लिक कर दिया। PVC कार्ड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें खुल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो अपना आधार कार्ड नंबर आप इसमें फिट कर दीजिए, या वर्चुअल आईडी फिक्स कर दीजिए, या EID अपनी आईडी इसमें डाल दीजिए। अगर आप अपना आधार नंबर डालते हैं तो आपको 12 डिजिट की इसमें आईडी अपनी फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एंटर सिक्योरिटी कोड करना पड़ेगा, जो इसमें कैप्चा दिया हुआ है, और उसके बाद आपको सेंड OTP कर देना है। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है अपने आधार कार्ड के साथ, तो आप घबराइए मत, इसमें आप क्या करिए, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक कीजिए। देन आप इसमें कोई भी अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड कीजिए, उसमें आपका एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें फिल कीजिए। देन इसके बाद क्या होगा कि आप किसकी आगे पेमेंट ली जाएगी, जो कि 50 रुपये की है, जो कि इसका ट्रांसफ़र फीस है, जो भी इसमें पोस्टल इनके जो भी चार्जेस वगैरह है उसमें ये लिए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप घर बैठे कैसे अपना पोस्टल के थ्रू इसमें आधार कार्ड, अपना PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं, बिना किसी झंझट में कहीं भी जाए, जो कि एक बेटर है पहले वाले से। तो आप देख सकते हैं आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।